सो हे गाइस, तुम लोगों का स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो भाई यार देखो, मैंने अपने चैनल पर न जाने कितने सारे लॉन्ग वीडियोस डाल दिए हैं, एंड उन वीडियोस में एक कमेंट ऐसा है भाई जो बहुत सारे बंदे कर रहे थे, एंड उस पे ज्यादातर कमेंट ऐसे ही आते हैं भाई कि हर्ष भाई तुम थंबनेल कैसे बनाते हो, या तुम्हारा कोई एडिटर है, या फिर थंबनेल तुम ही बनाते हो, अगर तुम बनाते हो तो कैसे बनाते हो भाई थंबनेल, थंबनेल पर वीडियो लाओ, थंबनेल पर वीडियो लाओ। तो भाई मैंने बहुत सारे कमेंट ऐसे पढ़े अपने सब्सक्राइबर्स के, तो मैंने आज सोचा क्यों ना भाई अपने सब्सक्राइबर्स की बात को सुन लिया जाए यार, क्योंकि भाई इस वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती थी, इसलिए मैंने ये वाला वीडियो बनाया नहीं अभी तक। लेकिन आज मैं आप लोगों के लिए ये वाला वीडियो लेके आया हूँ, तो सभी लोग प्लीज यार भाई देखो, इस वीडियो को बनाने में पूरा भाई कम से कम 4 या 5 घंटे लगे हैं मेरे को भाई, एग्जैक्टली बता रहा हूँ 4-5 घंटे लगे वीडियो को बनाने के लिए। तो प्लीज यार इस वाले वीडियो को पूरा एंड तक देखना, एंड तुम लोगों को इस वीडियो को देखने में मजा भी आएगा। और भाई देखो, इस वीडियो में मैंने वॉइस ओवर मतलब बाद में नहीं किया है, वीडियो को बनाते टाइम ही वॉइस ओवर किया है। यार तुम लोगों को पता होगा मैं गाँव में रहता हूँ, एंड हमारे घर के बाहर भाई बकरियां भैंस बंधी रहती हैं, तो उससे तुम लोगों को थोड़ी बहुत बकरी की आवाज सुनने को मिलेगी। तो भाई एडजस्ट कर लेना यार, क्योंकि ये वीडियो मैंने रात को बनाया है, तो भाई तुम लोग तो इतना कर ही सकते हो भाई, कर लेना। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले अपने पिक्सल लैब एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। देखो मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया, एंड तुम लोगों को जो टाइटल लिखना हो तुम वो टाइटल लिख सकते हो। तो यहाँ पर मेरा टाइटल ये है, हु इज माय गर्लफ्रेंड, इस टाइप से है, मतलब थोड़ा अच्छा लगेगा इससे। इतना तुमको लिख लेना है, एंड तुमको जाना फिर फॉन्ट पे, इस फॉन्ट का लिंक तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसका फॉन्ट का नाम है टीटी बैकवर्ड, ये इस तरीके से तुमको फॉन्ट मिल जाएगा, ये करना तुम लोगों को। फिर तुमको इसको ही डुप्लीकेट कर लेना है, एंड इस पे तुम लोग को लिखना है गर्लफ्रेंड, GIRL FRIEND, यही होती है ना मेरे। इतना करके तुमको फिर फॉन्ट पे जाना है, एंड तुमको यहीं पर सिंपल वाले फॉन्ट पे तुमको पिक्सल ऐप ऑलरेडी देता है, ये मिमी फॉन्ट नेम से होगा, ओके इस पर टैप कर देना एंड कंफर्म कर देना। तो तुम लोगों को देखो ये टेस्ट रेडी है, मतलब वाइट कलर का रेडी है, तुमको ट्रांसपेरेंट करके इसको सेव कर लेना है। यहाँ पर अल्ट्रा पे सेव करना, क्वालिटी अच्छा आएगा भाई। अब तुम लोगों को ओपन कर लेना अपना PSCC फोटोशॉप ऐप, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, तुम लोग वहाँ से डाउनलोड कर लेना। तो भाई देखो यहीं से हम लोग अपना टेस्ट बनाएंगे भाई। देखो थंबनेल में सबसे ज़्यादा मेन होती है एक ही चीज़, होती है टेस्ट। अगर हम लोगों का टेस्ट अच्छा है तो हम लोगों का थंबनेल भी बेस्ट लगेगा। तो तुम लोगों को टेस्ट बनाने के लिए जो हमने पिक्सल ऐप बनाया था वाइट कलर का, तुमको पिक्सल ऐप उसको ले लेना है। तो मैंने काफ़ी सारे बना रखे हैं पहले से, तो मैं तो तुम लोगों को अभी तुम लोगों को मेरे को क्लियर बताऊँगा। देखो यहाँ पर मैंने ले लिए हैं दोनों, फिर तुम लोगों को देखो यहाँ पर दिख रहा हूँ सिलेक्शन टूल, इस पर तुमको इस तरह से फैलाना है, एंड लेयर फ्रॉम सिलेक्शन कर लेना है, एंड फिर दूसरी वाली लेयर पर जाकर क्लियर कर लेना। देखो यहाँ पर हमारा दोनों अलग अलग हो चुके हैं, हु इज़ माई अलग और गर्लफ्रेंड अलग। तो तुम लोगों को पहले एक टेस्ट बनाना है, तो तुम गर्लफ्रेंड का जो ऑप्शन दिख रहा है इसको तुम हाइड कर देना। अब देखो इस पर तुमको यहाँ पर पेंसिल वाइट टूल पर जाना है, इसको तुमको सिलेक्ट पिक्सल करना है, एंड ये दिख रहा मोड को तुम लोगों को माइनस कर लेना है। एंड तुम लोगों को देखो इस तरह जैसे मैं कर रहा हूँ वो आधे पे, बिल्कुल मतलब थोड़ा अच्छा लगेगा इसे, आधे पे कर लेना है, आधे पे कर लेना। तो तुम देखो ये माइनस तुम्हारा ये नीचे आ जाएगा, एंड फिर तुमको फिर पेंसिल टूल पर जाना है ट्रांसफॉर्म, और फिर तुम लोग को इसको माइनस करना है समथिंग 5 का तुम लोग माइनस दे देना इस तरह से। एंड फिर तुम लोगों को एंड टूल पर जाना है, एंड ग्रेडियंट पर दबा देना है। देखो इस तरह का तुम्हारे पास ग्रेडियंट होगा, मतलब नहीं होगा, मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे बनाना है। देखो इस वाले जो तुम लोग को यहाँ पर दो बिंदु देखेंगे, देखो ऐसे मिलेगा तुमको एक, तो यहाँ पर जाना है, इस पर टैप करना है। देखो फिर तुम लोगों को ये वाला कलर रखना है 197 100 100 100, और इस वाले में 189 100 100 100, ठीक है। इस तरह से तुम लोग को रख लेना है, एंड ये वाला तुम्हारा रेडी है। एंड अब इसको हाइड कर देना तुम लोग, इस अब दूसरे वाले को वो कर लेना। तो सबसे पहले तुम लोगों को सिलेक्ट पिक्सल कर लेना है, एंड टूल पे जाना है ग्रेडियंट पे, और ये येलो वाला ग्रेडियंट को इस तरह से देखो हम लोग, देखो ये रहा ग्रेडियंट का कलर, ठीक है ये रहे ग्रेडियंट का कलर। पहला वाला तुमको रखना 57 66 100 100, स्क्रीन शॉट ले लो, एंड दूसरा रखना 35 100 100 100, ओके। तो फिर तुम लोगों को सिलेक्ट पिक्सल कर लेना है, एंड तुम लोगों को दिख रहा है मोड को तुम लोग माइनस कर लेना। एंड अब तुम लोगों को इस तरह से कुछ करना है, देखो ये जैसे फैलाना है तो ये ऑटोमेटिक तुम्हारा नीचे तरफ आ जाएगा। फिर एंड टूल पर जाना है ट्रांसफॉर्म, माइनस का फाइव कर देना। फिर तुम लोग इस पर जो जाना है एंड ग्रेडियंट पे दबा देना है, अरे ग्रेडियंट पे दबा कर तुम लोग, फिर तुमको इस एरो को अपने एरो को नीचे की तरफ लाना है बिल्कुल, क्योंकि देखो इस तरह से हमारा ग्रेडियंट बन रहा है, तो तुम लोगों को नीचे की तरफ लाना है। तो देखो ये फॉन्ट भी रेडी हो चुका है,
एंड ये वाला फ़ॉन्ट भी रेडी हो चुका है। तो हम लोग थोड़ा इनको बिल्कुल फिट कर लें। पहले देखो इतना इतना प्यारा फिट लिया अच्छे से, बिल्कुल मतलब ये अच्छे से हम लोग को सेट कर लेना पहले, इस तरह से सेट कराइए, थोड़ा अच्छे से कर लेते हैं। अब काफ़ी हद तक हमारा सही हो चुका है, ठीक है। इतना तुम लोगों को लेना है, अब तुम दोनों को मर्ज डाउन कर देना। अब एम्प्टी लेयर बनाना है, इस पर टैप करना है, सिलेक्ट पिक्सल एंड इस पर जाना है, और इसको तुमको एम्प्टी लेयर को नीचे लाना है एंड तुमको फिर ट्रांसफॉर्म करना है। तुमको इसको काफ़ी बढ़ा देना, समथिंग इतना ही रख लेना, 17-18 का रख लेना, 20 का अभी रख सकते हैं, अभी तो 19 का रखा है। तो अब तुमको फिल इन स्टॉक पे जाना है, अब तुमको यहाँ पर कलर देना है, देखो इस तरह कलर देना है, देखो ये वाला कलर तुम लोग को 235, 100, 37 और 100, देखो इस तरह का तुम लोग कलर रखना, ठीक है। देखो भाई लोग कितना बढ़िया ओपी लगने लगा ना, अब तुम लोग को ये तुम्हारा देखो बॉर्डर आ चुका है जो मस्त लग रहा है भाई। और फिर इंटीरियर करना तुम लोगों को, फिर देखो इस टूल को तुम लोगों को इस तरह से तुमको अपनी वो लेयर को लाना है, मतलब जो फैलाना है, फिर फिल इन स्ट्रोक, फिर तुम लोगों को इस तरह से फिल कर देना है एंड फिर दोबारा से करना है, ये तो आ नहीं रहा, इस तरह से करना, ठीक है, इस तरह से देखो एंड फिल इन स्ट्रोक, देखो कितना बढ़िया लगने लगा हमारा। हम लोगों का टेस्ट यहाँ पर रेडी हो चुका है, अब तुम लोग को सभी लेयर्स को मर्ज डाउन कर देना है यहाँ पर, और देखो हमारा हम लोगों का टेस्ट रेडी हो चुका है, ठीक है गाइस, डन कर देना है, सेव एंड तुम लोगों को अब इसको सेव टू गैलरी PNG, इसको तुम लोगों को सेव कर लेना, तुम लोगों का यहाँ पर सेव हो चुका है। तो भाई अब हम लोगों ने अपना टेस्ट तो रेडी कर लिया है, अब हम लोग बनाएंगे बैकग्राउंड एंड सब कुछ पूरा मैन बनाएंगे। अब तो तुम लोगों को इस वाले टूल पर सजाना है फोटो लाइब्रेरी, तुम लोगों को मैंने एक डिस्क्रिप्शन में दिया है लिंक, तो वहाँ पर तुमको सारा का सारा पैक मिल जाएगा, तो तुमको वहाँ से डाउनलोड कर लेना है। एंड तुम लोगों को इस वाले जो मैंने ये बैकग्राउंड तुम लोगों को मैं डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इस बैकग्राउंड को लेकर तुम लोगों को आ जाना है, देखो जिस तरह से ये बैकग्राउंड मैं लाया हूँ इस तरह से। एंड तुम लोग को फोटो लाइब्रेरी पर जाना है, पिक्सल लैब पर तुम लोगों को एक टेस्ट बना लेना है, पहले से ही मैं बताना भूल गया, तुमको कुछ इस तरह का टेस्ट बना लेना, तुम्हें बताता हूँ किस तरह का, इस तरह का देखो ये लकी नाम से बना लेना, मतलब कुछ भी नाम हो थोड़ा घुमारा घूमता फिरता हो तो अच्छा लगता है, इस तरह का से बना लेना, ठीक है। इस तरह ये देखो इस तरह लोगों से ये देखो इस तरह से अब तुम लोग को इस पर जाना है एंड इसको तुम लोग को फिर डुप्लीकेट लेयर करना है, इस पर टैप कर सिलेक्ट पिक्सल एंड ट्रांसफॉर्म -3 या फिर -4 कर लेना है, 4 एंड फिर तुम लोग इसको क्लियर, और जो हमारा पहला वाला लेयर था उस पर तुमको टैप करना है इसको ओवरले एंड तुम लोगों को कम कर लेना है इसका, इतना इतना कम कर लेना, ठीक है, लेना डोज आएगा नहीं आ रहा, ओवरले से लगता है, इतना ओवरले करना है। अब तुम लोग को इस वाले लेयर पे आना है एंड ट्रांसफॉर्म, अब तुम लोग को इस तरह से ट्रांसफॉर्म करना है इसको, देखो कितना बढ़िया लग रहा है, इसी तरह से करना है तुम लोगों को एंड तुम लोगों को फिर फेड के ऑप्शन पे जाना है इस तरह से, इस तरह से तुम लोगों को फेड दे देना है, जो साइड से जो साइड का बॉर्डर है वो हिट जाए, मिट जाए, ठीक है। चलो अब तुम लोग इतना तो तुम लोगों ना इतना बैकग्राउंड धीरे धीरे बनता जाए, तुम लोगों को इन दोनों गर्ल्स को ऐड कर लेना अपनी थंबनेल में, मैंने इनका लिंक तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, सारे पैक का लिंक डिस्क्रिप्शन में, डाउनलोड कर लेना। अब तुम लोगों को इन दोनों गर्ल्स को मर्ज डाउन कर लेना है एंड एम्प्टी लेयर बनाना है, फिल इन स्ट्रोक एंड फिल स्ट्रोक, वाइट कलर से तुम लोग को स्ट्रोक दे देना है एंड एक्सट्रैक्ट, फिर तुम लोगों को ये गलती मत करना है आप, फिर तुम लोगों को डिसलेक्ट कर लेना है, ठीक है। जो तुम लोगों को ये लकीर चलती है ना, इससे मतलब तुम्हारा ग्लो अंदर की तरफ आता है, अब तुम लोगों का ग्लो इससे बाहर की तरफ जाएगा, ठीक है, डिसलेक्ट कर लिया करो एक्सट्रेस करने के बाद, ठीक है। अब FX पे जाना है ग्लो, अब तुम लोगों को देखो इस वाला कलर देना है, ये रहा कलर, यही वाला कलर दे देना 8 का पहले, फिर FX, फिर ग्लो, फिर तुम लोगों को ये वाला ग्लो दे देना, फिर और एंड फिर से तुम लोगों को लेना डोज, ठीक है। देखो अब तुम लोगों को काफ़ी अच्छा ग्रो देखने को मिलेगा, आप फिर डुप्लीकेट लेयर कर देना FX एंड ये इस तरह से दे देना है, समथिंग 33 का दे दे रहा हूँ, ओके
कितना देने हैं तुम लोगों को, एंड अब तुमको करना फेड, इस तरह से फेड करना नीचे की तरफ से, ये जो ऊपर से ग्लो जो लाइन दिखती है ना अंदर अंदर, ये तुम लोगों को फिर नहीं दिखेंगे, इससे इस तरह से फेड देना है, दोनों लेयर को दे देना फेड इस तरह से, देखो कितना अब बढ़िया लगता है। अब तुम लोग को यहाँ पर अपना टेस्ट ऐड कर लेना जो हम लोगों ने बनाया था वहाँ पर PSCC से, जो टेस्ट बनाया था तुम लोग को वो ऐड कर लेना है यहाँ पर। देखो ये रहा हमारा टेस्ट, हम अपने टेस्ट को ऐड कर ले रहे हैं, ये रहा ओके। ये देखो अब टेस्ट काफ़ी बेस्ट लगता है, अब और अच्छा लगने लगा। तो फिर इस तरह से तुम लोग को टेस्ट ऐड कर लेना है, एंड अब एम्प्टी लेयर बनाना तुम लोगों को, एम्प्टी लेयर में इस तरह तुम लोग को एक वो बनाना है डिब्बा टाइप का, एंड फिलिंग स्ट्रोक तुम लोग को फिल देना है इस कलर का, उसी कलर का फिल देना है, एंड तुम लोगों को फिर डिसलेक्ट कर देना है, एंड फेड पे जाना है, फिर तुम लोग को फेड देना है उल्टा इस तरह का फेड, ओके इस तरह तुम लोग को फेड देना है ये, और तुमको इसको सबसे नीचे लाना है, इतने नीचे तक इन कर्ल्स के ऊपर लाना है, थोड़ा और फेड कर लेते हैं, अच्छा नहीं लग रहा है इसमें, लो अब काफ़ी सही लग रहा है। इतना बन के रेडी हो चुका है, तो इतना बन के हमारा रेडी हो चुका है, एंड अब तुम लोग को बीच में एक करेक्टर को खड़ा करना है, तो तुम लोग को यहाँ पर एम्प्टी लेयर बना लेना, एक एम्प्टी लेयर ले लेना है, एंड एम्प्टी लेयर को तुम लोग को एक इस तरह से तुमको डब्बा बनाना है इस तरह से, ओके तो तुमको इसको फेले ने स्ट्रोक करना है, इतना करके तुम लोगों को फिर इसको अभी स्ट्रोक दे देना तुम लोगों को, इतना करके तुम लोगों को फिर से एक एम्प्टी लेयर बनाना है, एंड फेले ने स्ट्रोक, एंड स्ट्रोक दे देना तुम लोगों को वाइट कलर से, स्ट्रोक समथिंग 10 का दे देना है यहाँ पर तुम लोगों को, 10 का नहीं 15 का दो, अच्छा और भी 15 का तुम लोगों को यहाँ पर स्ट्रोक दे देना है। और अब तुम लोग को यहाँ पर बीच में एक करेक्टर को ऐड करना है, तो मैं तुम लोग को इसका लिंक तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन में सब पैक का लिंक है, ठीक है, तो तुम लोग को यहाँ पर एक करेक्टर को ऐड कर लेना है, तो मैं किसी भी एक बेस्ट करेक्टर को ऐड कर ले रहा हूँ, तो ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है ये वाला, तो इसको मैंने ऐड कर लिया, इसको अच्छे से फिट फाट कर ले बिल्कुल इस तरह से, चलो ये तो ऐड हो गया है, चलो इसको ऐड हो गया, तुमको नीचे से इसको क्लियर कर देना है इस तरह से, देखो कितना बढ़िया लगने लगा। अब तुम लोगों को एक एम्प्टी लेयर बनाना है, एंड अब तुम लोगों को ये जो बॉक्स है इसको बॉक्स पे जाकर तुम लोगों को ये गोला सेलेक्ट कर लेना है, एंड गोला सेलेक्ट करने के बाद तुम लोगों को देखो इस तरह से तुम लोग एक गोल डब्बा बनाना है, फिर तुमको इसको फिल स्ट्रोक तुमको इसको फिल देना वाइट कलर से, एंड एक एम्प्टी लेयर बनाना है, फिर इसको नीचे लाना है, फिर फिल स्ट्रोक स्ट्रोक मारना है इस कलर से, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रोक मतलब समथिंग 15 का या 20 का, 20 का स्ट्रोक दे देना है यहाँ पर, 20 का नहीं 25 का, और भी ज़्यादा अच्छा 25 का स्ट्रोक दे देना है, एंड अब तुम लोग इसको मश डाउन कर देना है, मश डाउन और इसके नीचे लाना है और इस तरह से कर देना है इस तरह से। अब तुम लोग इसको फिर लेनियर डोज FX गॉसन ब्लर रिकॉशन ब्लर दे देना इतना ज़्यादा, देखो इसका फिर तुम लोग को डुप्लीकेट लेयर करना है, फिर इसको इस गर्ल के पीछे लाना है, गर्ल के पीछे, और तुम लोग को इसको सबसे नीचे लाना है गर्ल्स के नीचे, एंड तुम्हारा जो करेक्टर वाला ये था इसको तुमको थोड़ा सा छोटा कर देना है इस तरह से, ये देखो अब काफ़ी सही लग रहा है पहले से, एंड तुम लोग को इसको और भी FX ब्लर दे देना है इसको, एंड इसको ट्रांसफॉर्म करना अच्छे से, इसको फिट कर लेना अच्छे से बिल्कुल। अब तुम लोग को जो हमने इस वाली लड़की के पीछे था इसको फिर तुम लोग को डुप्लीकेट लेयर करना है, एंड ट्रांसफॉर्म इस बेबी गर्ल के पीछे लाना है, बेबी गर्ल। अब तुम लोग को जो डब्बा था ये डब्बा सब कुछ तुम लोग अच्छे से मश डाउन कर लेना है डॉग से, ये देखो लो, अब तुम लोग का इतना सारा चीज़ रेडी हो चुका है बढ़िया तरीके से, अब हमारा काफ़ी मतलब पूरा थंबनेल रेडी हो चुका है, थोड़ा बहुत रहेगा करने को, तो चलो वो भी सिखा देता हूँ तुम लोगों को। अब तुम लोग को फोटो लाइब्रेरी पर जाना है, एंड तुम लोगों को एरो मिलेगा, ठीक है, एरो डाउनलोड कर लेना है,
तो इस तरह के तुम लोग को एक एरो मिलेगा, इसको इस उल्टा करना है एंड इस तरह से कर देना है, फिर इस एरो को यहाँ पर लाना है इस तरह से। इस तरह से एक एरो को इस साइड लगा देना है डुप्लीकेट करके एंड एक एरो को इस साइड लगा देना है इस तरह से, एंड इसको तुमको ड्रॉप शैडो दे देना थोड़ा बहुत, दोनों को थोड़ा थोड़ा ड्रॉप शैडो दे देना है। अब तुम दोनों को इन दोनों को मच डाउन कर देना है। अब तुम लोगों को फोटो लाइब्रेरी पे जाना है एंड एक तुम लोगों को इमोजी ऐड करना है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है मैंने। तो ये इस तरह से है, इसको तुम लोग को इस डिब्बे के साइड में लाना है इस तरह से, इसको तुम लोग को लगा देना है और इसके फिर तुम लोग को डुप्लीकेट लेयर करना है एंड यहाँ पर लाना है इस लड़की के इस साइड में पीएन कायरा, ये पीएन कायरा है, यहाँ पर लाना है तुम लोगों को। बस अब तुम लोगों को हुआ काम, बस तुम लोगों को एक चीज़ और ऐड करनी है। इस तरह से तुम लोग को एक मिल जाएगा, ये देखो। अब तुम लोगों का थंबनेल पूरा रेडी हो चुका है बनके, सेव कर लेना तुमको, फिर सेव टू डिवाइस एंड तुम लोग अपना थंबनेल यहाँ से सेव कर लेना। अब यार तुम लोगों को एक ऐप डाउनलोड करना है जिसका नाम है फोटो ट्यून। तुम लोगों को फिर इस ऐप पे जाना है। अब देखो इस ऐप से होता है क्या, तुम्हारा जो थंबनेल की क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। एक ऐप है रेमिनी जिसपे भाई प्रीमियम है, जो तुम लोगों को जो तुम लोगों ने तभी थंबनेल लिया है ऊपर तुमको टैप करना है, सही पर टैप कर देना इनहेंस एंड तुमको ये 100% बताएगा, पूरा 100% अच्छे से हो जाने देना। फिर तुम लोगों को देखो अभी हो जाए, फिर तुमको बताता हूँ क्या करना है यहाँ पर। ये देखो, अब देखो गर्ल कितनी अच्छी, देखो अभी ये थोड़ा कितना ज़्यादा बिला रहा है, अब देखो कितना साफ़ हो गया। तुम लोगों को पूरे तरीके से साफ कर देना इसको एंड सेव कर देना एंड